हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कैसा निकालते, कौन कौन से ऑर्बिटल्स इसमें हम यूज करते, ठीक है, और कौन से मॉलिक्यूल में कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन आप तो डिटेल पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा हुआ तो मैं किसी लेक्चर में बहुत डिटेल पढ़ाऊंगा आपको। आज के लेक्चर में सिर्फ मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूं कि हाइब्रिडाइजेशन हम किसी भी मॉलिक्यूल का कैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग समझ लो आप। हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग अगर आप जनरल मीनिंग देखेंगे तो इसका मीनिंग होता है मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या होता है इसका मीनिंग? मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन कौन से मिक्स कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम एस ऑर्बिटल का यूज करते, पी ऑर्बिटल यूज करते और डी ऑर्बिटल तीन यूज करते, ठीक है। वैसा डी ऑर्बिटल के फाइव टाइप्स हैं, एस ऑर्बिटल, सेकंड है बच्चों पी ऑर्बिटल, और लास्ट डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स आर ऑफ फाइव टाइप्स, लेकिन हम हाइब्रिडाइजेशन के लिए डी ऑर्बिटल्स के सिर्फ तीन ही सब ऑर्बिटल का यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स एसपीडी ऑर्बिटल, ठीक है, और एक एफ ऑर्बिटल भी है जिसमें अभी तक कोई खास इसका डिस्कवर नहीं हुआ, ठीक है, और अभी उसका कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है कंप्लीटली पता भी नहीं है, ठीक है। तो एसपीडी ऑर्बिटल्स, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। तो इसके लिए ट्रिक्स है बच्चों कि नंबर ऑफ वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर नंबर ऑफ वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 to 8 हो तो उसको हम डिवाइड करते हैं 2 से। अगर नंबर ऑफ वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 to 56 हो विच इज डिवाइडेड बाय 8, और अगर नंबर ऑफ वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन 56 टू अबव हो उसको हम डिवाइड करते हैं 18 से। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। सेकंड फॉर्मूला है बच्चों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालना। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड टू द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम से कितने बॉन्डेड एटम अटैच है, ओके। तो एग्जांपल के थ्रू मैं आपके कंसेप्ट क्लियर करवा देता। एग्जांपल नंबर फर्स्ट समझ लो आप, XeO2F2, ठीक है। XeO2F2 मॉलिक्यूल ये कौन से हाइब्रिडाइजेशन से तैयार होगा और इसमें कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। आज मैं आपको सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ही समझा दूंगा। पता है हमारे को क्या, ज़ेनॉन जो है ये नोबल गैस की एग्जांपल है और इसके आउटर मोशेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के आउटर मोशेल में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इस तरह 2 ऑक्सीजन के आउटर मोशेल में 12 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन ये हेलोजन फैमिली की एग्जांपल है, इसके आउटर मोशेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 2 के लिए कितने होंगे बच्चों, 14 इलेक्ट्रॉन। तो इसका सम करने पर कितना आंसर आया, 34। अब हमारे पास फॉर्मूला है क्या, अगर इलेक्ट्रॉन 9 to 56 हो तो उसको हम 8 से डिवाइड करते हैं, तो यहां पर हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे, लेकिन ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा। देख लो आप कैसा होगा, 8 4 32, कितने बचे बच्चों यहां पर, 2। तो यहां पर इसको 8 से डिवाइड नहीं करना, बल्कि कैसे डिवाइड करेंगे आप, 2 से, क्योंकि हमारे को फॉर्मूला पता है क्या, वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 to 8 हो विच इज डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, कितना आंसर है इसका, 1। तो 4 + 1 कितने, 5। तो यहां पर हम 5 ऑर्बिटल्स बच्चों कंबाइन करेंगे, एक एस ऑर्बिटल में कंबाइन करूंगा, 3 पी ऑर्बिटल में कंबाइन करूंगा और 1 डी ऑर्बिटल, ओके, ठीक है। तो यहां पर XeO2F2 मॉलिक्यूल ये तैयार होगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन से, ठीक है बच्चों। सेकंड पॉइंट यह है कि इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला मैं यहां पर लिखा कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम टू द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम से कितने एटम बॉन्डेड है,
ठीक है, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल है बच्चों यहाँ पर 5 और नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम, एक जेनॉन को आप, जेनॉन को आप यहाँ पर सेंट्रल एटम मान लीजिए, और कितने एटम अटैच है इसमें, 4, 2 ऑक्सीजन है और 2 फ्लोरीन है, सो 5 - 4 = 1। इसलिए मैं आपको बता सकता हूं क्या इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है बच्चों, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, XeOF2 मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन से ये तैयार होगा, तो जेनॉन के आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन के आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 2 फ्लोरीन के लिए 14 प्लस 6 कितना होगा बच्चों, 20 प्लस 8 28, तो 28 इलेक्ट्रॉन होगा इसके आउटर मोशन में, और मैं इसको डिवाइड करूंगा 8 से, 8 × 3 = 24 कितने बचे यहाँ पर, 4, 4 को अब यहाँ पर आपको 2 से डिवाइड करना है, कंप्लीट डिवाइड हो जाना, कितना आंसर आया 2, 3 + 2 = 5। ठीक है, इसलिए XeOF2 मॉलिक्यूल ये तैयार होगा sp3 डीहाइब्रिडाइजेशन से, समझ में आया बच्चों कि यहाँ पर इसका आंसर कितना है 3 + 2 = 5, तो यहाँ पर हमारे को 5 ऑर्बिटल्स कंबाइन करना पड़ेगा, एक एस ऑर्बिटल, 3 पी ऑर्बिटल और एक डी ऑर्बिटल। ठीक है, इस तरह XeOF2 मॉलिक्यूल ये तैयार होगा sp3 डीहाइब्रिडाइजेशन से। सेकंड थिंग है बच्चों इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालना, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं बच्चों यहां पर 5 और नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम टू द सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम मान लीजिए आप जेनॉन है यहां पर, तो जेनॉन से कितने बॉन्डेड एटम अटैच है, कितने हैं 3, सो वी कैन से दैट XeOF2 मॉलिक्यूल कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं यहां पर हम, क्या ClF3 मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन, ClF3 मॉलिक्यूल ये कौन से हाइब्रिडाइजेशन से तैयार हो सकता, क्लोरीन और फ्लोरीन ये दोनों भी एग्जाम्पल हेलोजन फैमिली की है, हेलोजन फैमिली के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन रहते, ठीक है, तो यहां पर कितने हेलोजन एटम है, 4, 7 × 4 कितना हो गया 28, और पता है हमारे को अभी मैंने डिवाइड करके बताया आपको कि 28 अगर इलेक्ट्रॉन हो तो इसका आंसर कितना आ रहा है इसमें 5। ठीक है ना, देखो और डिवाइड कर लेते हैं हम इसको, 8 × 3 = 24 कितने बचे यहां पर बच्चों, 4, इसको डिवाइड कर दूंगा मैं 2 से, 2 × 2 = 4 + 2। ठीक है, तो बच्चों ClF3 मॉलिक्यूल ये तैयार हुआ sp3 डीहाइब्रिडाइजेशन से, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग है कि हाउ मेनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बच्चों 5 और नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम टू द सेंट्रल एटम कितने हैं 3, तो 5 - 3 = 2। इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूं कि ClF3 मॉलिक्यूल ये तैयार होगा sp3 डीहाइब्रिडाइजेशन से, और सेकंड ये है कि इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और बहुत सारी एग्जांपल लेता मैं आपको और समझा देता, पूरा कंसेप्ट क्लियर करवा देता। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, ठीक है, NH4 पॉजिटिव का मीनिंग क्या हो रहा है, क्या अमोनियम मॉलिक्यूल ने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, NH4 मॉलिक्यूल ने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, अगर पॉजिटिव साइन रहा तो जितना पॉजिटिव चार्ज रहा उतना माइनस कर देने का, ठीक है, और जितना नेगेटिव चार्ज रहा तो उतने इलेक्ट्रॉन का गेन कर देने का। ओके, तो नाइट्रोजन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, हाइड्रोजन के आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन के लिए 4, और ये पॉजिटिव चार्ज में यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, कितना आंसर आ रहा है बच्चों यहां पर 8 डिवाइडेड बाय 2, फॉर्मूला पता है हमारे को, हाँ कितना आंसर आया इसका 4, तो यहां पर हमारे को 4 ऑर्बिटल्स कंबाइन करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बता सकता हूं क्या NH4 पॉजिटिव मॉलिक्यूल ये तैयार होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन से। सेकंड है इसमें क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, ठीक है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है 4 और नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम टू द सेंट्रल एटम 4 - 4 = 0। इसलिए मैं आपको बता सकता हूं कि NH4 पॉजिटिव मॉलिक्यूल में कौन सा भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहता। ठीक है, एग्जांपल नंबर 5, BrF5, ठीक है, ब्रोमीन और फ्लोरीन ये दोनों भी
17 ग्रुप की एग्जांपल है, हेलोजन फैमिली की एग्जांपल है, और इसके आउटर मोस्ट शेल में मींस ब्रोमीन के आउटर मोस्ट शेल में चाहे तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पड़ जाने थे बच्चों, 7 इलेक्ट्रॉन, है ना। 7 6 जा कितना होगा बच्चों, 42, और इसको डिवाइड करेंगे हम 8 से, तो 8 5 जा कितना होगा 40, कितने बचे यहां पर 2, 2 को 2 से डिवाइड करना है, कितना है इसका आंसर 1, 5 प्लस 1 6। सो मैं आपको बता सकता हूं क्या BrF5 मॉलिक्यूल ये तैयार होगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन से, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लो आप, 4 प्लस 2 6 माइनस नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम, कितने एटम बॉन्डेड है बच्चों 5, आंसर कितना रहा इसका 1। इसलिए मैं आपको बता सकता हूं कि BrF5 मॉलिक्यूल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 प्रेजेंट है था। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6, CO3 डाई नेगेटिव। डाई नेगेटिव का मीनिंग क्या हो रहा है कि यहां पर कार्बोनेट कंपाउंड ने, ठीक है, CO3 डाई नेगेटिव मींस कार्बोनेट, और यहां पर कार्बोनेट ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, ठीक है ना। तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑक्सीजन के लिए 18 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 कितना होगा बच्चों 24, इसको मैं डिवाइड करता 8 से, 8 3 जा 24, ठीक है। तो यहां पर आपको कितने ऑर्बिटल्स कंबाइन करना पड़ेगा, एक एस ऑर्बिटल और 2 पी ऑर्बिटल। इसलिए मैं आपको बता सकता हूं क्या CO3 डाई नेगेटिव मॉलिक्यूल ये तैयार होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन से। सेकंड है इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए ध्यान से देख लो आप क्या नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हैं 3, नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम 3, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7, SF6 मॉलिक्यूल ये कौन से हाइब्रिडाइजेशन से तैयार होगा, सल्फर ये 16 ग्रुप की एग्जांपल है और इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, फ्लोरीन ये 17 ग्रुप की एग्जांपल है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 6 जा 42 प्लस 6 48, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों 48, तो ये 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 8 6 जा 48, ठीक है, 8 6 जा 48। तो कितने ऑर्बिटल्स आपको यहां पर कंबाइन करना पड़ेगा, एक एस ऑर्बिटल, 3 पी ऑर्बिटल और 2 डी ऑर्बिटल। इसलिए SF6 मॉलिक्यूल ये तैयार होगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन से। सेकंड थिंग है इसमें क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट रहते, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल चेक कर लो आप, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसमें 6, और नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम टू द सेंट्रल एटम कितने 6, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसलिए मैं आपको बोल सकता हूं कि SF6 मॉलिक्यूल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब्सेंट रहता, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8, PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 3 क्लोरीन के लिए 21 प्लस फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन, ऐसे कितना होगा बच्चों 26, इसको डिवाइड करेंगे हम 8 से, 8 3 जा 24, ठीक है। अब यहां पर कितने बचे 2, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको 2 से फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है ना, ठीक है, ये डिवाइड कर दिया हमने, तो 3 प्लस 1 4, PCl3 मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है कि इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 4, नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम 3 इज इक्वल टू 1, सो PCl3 मॉलिक्यूल कंटेन 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल नंबर 9, PCl5 मॉलिक्यूल ये कौन से हाइब्रिडाइजेशन से तैयार होगा, ठीक है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इस तरह 5 क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाए 35 प्लस 5 कितने हो गए इलेक्ट्रॉन बच्चों 40 इलेक्ट्रॉन, इसको डिवाइड करेंगे हम 8 से, 8 5 जा 40, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता सकता हूं क्या PCl5 मॉलिक्यूल ये तैयार होगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन से, एक s ऑर्बिटल मैंने कंबाइन किया यहां पर, 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल, ठीक है। सेकंड पॉइंट है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर कितने प्रेजेंट है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लो बच्चों आप, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हैं 5, नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम 5, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब छोटी मोटी एग्जांपल भी समझाता मैं आपको, फॉर एग्जांपल BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ये हमारे को तो पता है क्या BF3 मॉलिक्यूल ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन से तैयार होगा, लेकिन ये फॉर्मूले के हिसाब से कैसे, देखो आप
बोरॉन जो है ये 13 ग्रुप के एग्जांपल है और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, तो 7 3 जा 21 प्लस 3 24 और 24 डिवाइडेड बाय 8, 8 3 जा 24, ठीक है ना। तो यहां पर देखो आप क्या BF3 मॉलिक्यूल ये तैयार होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन से, कौन से हाइब्रिडाइजेशन से, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सेकंड, इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट रहते, ठीक है ना। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है यहाँ पर, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम टू द सेंट्रल एटम, तो 3 - 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 11, BeF2 बेरिलियम डाइफ्लोराइड, ठीक है। बेरिलियम डाइफ्लोराइड ये sp हाइब्रिडाइजेशन से तैयार होगा, लेकिन sp हाइब्रिडाइजेशन से कैसा तैयार होता ये भी समझ लो आप, ठीक है। बेरिलियम ये अल्कलाइन अर्थ मेटल के एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन के आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 2 फ्लोरीन के लिए 14 प्लस 2 16, ठीक है ना। तो 16 इसको डिवाइड करेंगे हम 8 से, 8 टू जा 16, ठीक है ना। तो मैं आपको बता सकता हूं कि BeF2 मॉलिक्यूल ये तैयार होगा sp हाइब्रिडाइजेशन से, कौन से हाइब्रिडाइजेशन से, sp हाइब्रिडाइजेशन। और सेकंड पॉइंट है इसमें क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट रहते, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, यहां पर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं, 2, और नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम 2, 2 - 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 12, H2O मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल ये कौन से हाइब्रिडाइजेशन से तैयार होगा, हाइड्रोजन के आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के लिए कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 प्लस 2 कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, विच इज डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना है बच्चों, 4। तो मैं आपको यहां बता सकता हूं कि वाटर मॉलिक्यूल ये तैयार होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन से। सेकंड पॉइंट ये है कि इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने, 4, नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम कितने, 2 एटम बॉन्डेड है, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल में कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 13, XeO2F3, ये मैं आपको बताया कि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं होता, नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब एग्जिस्ट क्यों नहीं होगा, देखो फॉर्मूले के हिसाब से मैं आपको समझा देता, इसके आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ऑक्सीजन के लिए 12 और 8 20, ठीक है ना, और इसके 21 3 के लिए, तो कितना बचा, 41, तो 8 5 जा 40, ठीक है, कितना बचा, 1, ये 2 से डिवाइड नहीं होने वाला, ठीक है। सो वी कैन से दैट XeO2F3 मॉलिक्यूल नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 14, IF7 मॉलिक्यूल, IF7 मॉलिक्यूल ये कौन से हाइब्रिडाइजेशन से तैयार होगा, तो फ्लोरीन और आयोडीन ये दोनों भी एग्जाम्पल नोबल गैसेस की है, सॉरी 17 ग्रुप एलिमेंट्स की है, और 17 ग्रुप एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते बच्चों, 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 8 जा कितने हो गए, 56 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इसको मैं डिवाइड करूंगा 8 से, 8 7 जा 56, ठीक है, तो कंप्लीट डिवाइड हो गए, ठीक है ना। तो यहां पर कितने ऑर्बिटल्स कंबाइन करना पड़ेगा आपको, 7 ऑर्बिटल्स, मैं यहां पर एक एस ऑर्बिटल कंबाइन करूंगा, 3 पी ऑर्बिटल कंबाइन करूंगा और 3 डी ऑर्बिटल, तो IF7 मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है बच्चों। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 7 और नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम टू द सेंट्रल एटम कितने, 7, 7 - 7 इज इक्वल टू 0, सो IF7 मॉलिक्यूल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब्सेंट रहते, ठीक है। और एक दो एग्जांपल समझा देता मैं आपको, एग्जांपल नंबर 15, C2H2 एसिटिलीन, एसिटिलीन इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, लेकिन sp हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मूले के हिसाब से हमारे को निकालना है, तो कैसा आएगा समझ लो आप, ठीक है। देखो यहां पर सेंट्रल एटम 2 है बच्चों, कितने सेंट्रल एटम है, 2, ठीक है ना। तो कार्बन के आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 के लिए 12 और 2 14, 14 इलेक्ट्रॉन, सॉरी कार्बन के आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 के लिए 8 और 2 10, 13 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विच इज डिवाइडेड बाय 8,
कितने बचे यहां पर, दो डिवाइड होगा वन, ठीक है। सो एसिटिलीन मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय एसपी हाइब्रिडाइजेशन एंड इट हैज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ओके, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।